गुड्डू झपाटे नाम है। मंदिर जो है हनुमंत महाराज के नाम से प्रसिद्ध है, ताप्ती सरोवर के किनारे है और आज से नहीं कम से कम 50 वर्ष से मंदिर है, विराजमान है। आज जो है यहाँ पर जो अपने रामदयाल जी महाराज साहु जी स्थाई बोरगांव के हैं, इनका जन्म भूमि भी बोरगांव ही है, उनकी कर्म भूमि भी बोरगांव ही बहुत है। बहुत धन्यवाद। इसलिए महाराज जी हम लोगों का वहां मतलब बाबा के दरबार में हम लोगों को ऐसी सूचना अपने आप से मिली कि आप गुरु के पास जहां भटक रहे हो तो आप ऐसे गुरु के पास जाओ ताकि उनके चरणों से यहाँ की धरती पावन हो जाए। तो ऐसे गुरु की तलाश में हम निकले गुरु जी, और यहाँ तक पहुंचे तो हमको पहुंचाने में हमारा जो मुख्य मार्गदर्शक है वो है रविंद्र मानकर। उनको उनके धन्यवाद करते हैं मार्गदर्शन बार से बार। हम आपके तक पहुंचे हैं गुरु जी, और हम समस्त ग्राम वासियों की 5-10 गांव जैसे एकलारा, डोयलन, बिरुल बाजा, आष्टा और ये नांदकुड़ी, बोरगांव, बिश्नोर, काजली और हेटी, श्रावण तीर्थ त्रिवेणी देवडोंगरी, और देवडोंगरी, गरवा, नांदकुड़ी, गरवा, इतने हरदा, इतने सब बोर, गांव के बीच में यह मुख्य स्थान देवदास, है, और इतने सब लोगों की हमारी आस्थाओं के पीछे और हमारे प्रचार प्रसार के पीछे ये सब गांव के लोगों का भी हमें सहयोग मिलने की संभावना है। इसलिए गुरु जी हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस धरती के ऊपर आए। जो लोग अंधविश्वास में फंसे हैं, अंधकार में जी रहे हैं, उनके जीवन को उज्जवल भविष्य की कामनाओं के ओर लेकर जाने की इच्छा प्रकट करें। और कौन सी तारीख में कब क्या करना है गुरु जी, आपके मार्गदर्शन के अनुसार हम लोग भी आपके साथ में हैं, आपके बच्चे हैं। जिस रास्ते पर हमें ले जाओगे उसी रास्ते पर हमारा क्षेत्र जाएगा। सब चीजें परिपूर्ण है पर लोगों के घरों में शांति नहीं है, लोग लगातार परेशान हैं। अध्यात्म क्या चीज है इसका ज्ञान अभी तक वो धरती में नहीं है। इसलिए आपके अनुभव से हमारे अध्यात्म का जागरण हो और हमारे अध्यात्म में जो बढ़ोतरी हो वो सब आपके कार्य क्षेत्र से होगी गुरु जी। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी पावन धरती के ऊपर आइए और आपकी इच्छा अनुसार जैसे जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा बताकर अगला कार्यक्रम हमारा संपन्न कीजिए। अति सुंदर, शुभ मस्तु। ये तो इस प्रकार की आपकी वाणी को सुन करके मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये परमात्मा का ही संदेश है, क्योंकि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। जिसके ऊपर भगवान की अतिशय कृपा होती है और भगवान जिसको मिलना चाहते हैं तो उसकी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा अपने आप होती है। श्रीमद् भागवत में भी कहा है, भाग्योदयन बहुजन मार्जितेन सत्संग माचलबति पुरुष सदावे। कई अनेकों जन्म के पुण्य उदय होते हैं तभी उनको सत्पुरुषों के सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये तुम्हारी आत्मा और पारब्रह्म परमात्मा की ही सानिध्य करके आपका भी भगवान और सदगुरुओं के माध्यम से ही कल्याण करवाना चाहते हैं। तथास्तु, मैं आपको आदेश देता हूं कि इस कार्य में मन कर्म वचन से तन मन धन से आप अग्रसर हो जाइए।